हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज का जो सवाल है या आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीटेट 2023 का रिजल्ट कब तक आएगा। 2023 कह लो या आप 22-23 कह लो, मतलब 22 का ही एग्जाम है जो कि 23 में हुआ है जनवरी में। तो हमारा जो लास्ट हुआ है 7 फरवरी को लास्ट एग्जाम हुआ है, तो उसका रिजल्ट हमारा कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 15 मार्च के आसपास जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये एक दो दिन पीछे भी हो सकता है, मतलब हो सकता है आपका 15 मार्च से एक दो दिन पहले भी आ जाए, मान लीजिए 12 को 13 को, या फिर 2-4 दिन बाद में भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब इसका आंकड़ा किस तरह से हम लगा सकते हैं, अगर हम देखें पहले जो आपका पिछले साल की अगर हम बात करें, मैं दो तरीके से आपको बता रहा हूँ ये किस तरह से आप खुद भी इसका लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। पिछली बार जो हमारा एग्जाम हुए थे वो हुए थे आपके 23 जनवरी को लास्ट हुए थे, और 9 मार्च को आपका रिजल्ट आया था, जो 2022 की जनवरी में एग्जाम हुए थे, मतलब इससे पहले वाला जो सीटेट हुआ है, तो वो आपका 23 जनवरी को लास्ट एग्जाम हुआ था और आपका जो रिजल्ट आया था वो 9 मार्च को आया था। तो लगभग ये मानो आप 45-40 दिन के बाद, यानी कि 1.5 महीने का डिफरेंस से आपका जो है रिजल्ट आपके सामने आया था। तो अगर इस बार भी हम करें तो इस बार सात फरवरी को लास्ट एग्जाम हुआ है। अब उसके अगर आप लगाओगे 1.5 महीना लास्ट बाद में, तो 1.5 महीना उसका बैठेगा लगभग जाके 20 मार्च के आसपास, है ना, 20-22 के मार्च के आसपास जाके। लेकिन अभी क्या है, अभी प्रोसेस पहले से फास्ट है थोड़ा सा, जो पिछले साल का जो प्रोसेस था क्योंकि पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो अब प्रोसेस पहले से फास्ट है, तो अब थोड़ा सा जल्दी, मतलब मान सकते हैं कि आपका 1 महीने के डिफरेंस से या 35 दिन या 40 दिन के डिफरेंस से आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। एक तो ये एनालिसिस है, एक और है इसके अलावा एनालिसिस, वो ये है कि जब आपका नोटिफिकेशन आया था इसी एग्जाम का, जो हमारा अभी जो हमने सीटेट का एग्जाम दिया है, तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपका दिया था कि आपका जो एग्जाम होगा वो होगा मिड दिसंबर से, यही था, आप सबको पता है ये यही था कि मिड दिसंबर से, यानी कि 15 दिसंबर से डेट नहीं दी थी उन्होंने, मिड दिसंबर दिया था कि मिड दिसंबर से एग्जाम होने शुरू होंगे आपके सीटेट के, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका फरवरी के एंड में आएगा, उन्होंने ऐसा दिया था उसमें। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन अगर अभी भी देखेंगे, अभी भी वो पड़ा हुआ है सीटेट की वेबसाइट पे, तो उसमें उन्होंने दिया था कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो फरवरी के एंड में आएगा। लेकिन अगर हम देखें हमारे एग्जाम कब शुरू हुए हैं, एग्जाम शुरू हुए हैं लास्ट दिसंबर में, यानी कि एग्जाम लेट हुए हैं, एग्जाम आपके होने थे मिड दिसंबर से लेकिन हुए हैं एंड दिसंबर में, यानी कि 28 को आपका पहला पेपर था शायद, है ना, 27-28 को आपका लास्ट पेपर, मतलब पहला पेपर था। तो अब 15 दिन लेट हुआ एग्जाम शुरू, तो इस हिसाब से आप देखेंगे जब उन्होंने बोला है कि फरवरी के एंड में रिजल्ट आना था उस हिसाब से, तो अब रिजल्ट भी उतना ही लेट होगा, तो फरवरी के एंड से अब आप ले जाओ मार्च के मिड में, तो आपका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो मार्च के मिड में देखने को मिलेगा, 15 के आसपास। थोड़ा 2-4 दिन ऊपर नीचे तो होंगे, वो तो हमें भी नहीं पता उनकी फिक्स डेट क्या है, वो तो वही जानेंगे सीबीएसई वाले, लेकिन ये आपका जो है अब अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है ये डिजी लॉकर पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, तो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम भी आएगी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही अपडेट्स और तैयारी आपको मिलती रहेगी, सीटेट की प्रिपरेशन भी होती है, तो जो भी नए लोग हैं चैनल के साथ में जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।